What is up guys? Hello and welcome to Fanblaze. आज हम करने वाले हैं पोलैंड वर्सेस आइसलैंड फ्रेंडली मैच का प्रीव्यू। मैं आपको बताऊंगा ये मैच के कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स जो आपके फैंटेसी टीम में जरूर लेना चाहोगे। तो ये मैच होने वाला है पोलैंड के स्टेडियम मियास के पोजनन में 8 जून को रात 9:30 बजे। पोलैंड के लिए यूरोस का के पहले ये फाइनल फ्रेंडली मैच होगा, तो वही दूसरी ओर आइसलैंड जो यूरोस का इस साल हिस्सा नहीं है उनके लिए ये मैच मोराल बूस्टर साबित हो सकता है। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पोलैंड का फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है। अपने पिछले 5 मैच में सिर्फ 1 जीत हासिल कर पाई है पोलैंड। यूरो से पहले ये फॉर्म बदलना चाहेगी पाउलो सूसा की ये पॉलिश टीम। आइसलैंड जिन्हें ये मैच के बाद वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स भी खेलना है चाहेगी कि अपने पिछले 5 मैच में 2 विंस का सिलसिला ऐसे ही बनाए रखे। हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो पोलैंड हमेशा से ही आइसलैंड पर भारी रहा है। अभी तक इतिहास में एक भी बार पोलैंड को नहीं हरा पाई है आइसलैंड। इन दोनों टीम पिछले जो 5 मुकाबले हुए हैं उनमें पोलैंड ने 4 विंस और 1 ड्रॉ के साथ आइसलैंड पर अपना डोमिनेशन जारी रखा है। देखते हैं दोनों टीम्स की स्टार्टिंग लाइनअप्स कैसी हो सकती है। माना कि ये एक फ्रेंडली मैच है लेकिन पोलैंड के लिए ये किसी फाइनल से कम नहीं। अपनी टीम की शार्पनेस टेस्ट करने का ये फाइनल मौका होगा पोलैंड के मैनेजर पाउलो सूसा के पास, और इसीलिए वो अपने फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ ये मैच में उतरने की पूरी संभावना है। पोलैंड 3-5-2 फॉर्मेशन में नजर आ सकती है जो मैनेजर सूसा का गो टू फॉर्मेशन माना जाता है। पोलैंड की लाइनअप कुछ इस प्रकार होगी। जैसे कि हमने बताया आइसलैंड के लिए ये इंपॉर्टेंट मैच हो सकता है कंसिडरिंग द फैक्ट दैट दे हैव वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स टू प्ले नेक्स्ट एंड इफ दे एम टू गो टू द वर्ल्ड कप दैट इज इन 2022। हु नोज द जर्नी माइट जस्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस मैच इटसेल्फ। आर्नर वियर्सन सेट्स अप हिज टीम इन द मिडफील्ड पैक क्लासिक 4-5-1। आइसलैंड्स एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग लाइनअप इज सपोज टू लुक समवॉट लाइक दिस। अब हम देखेंगे फैंटेसी पिक्स। पोलैंड की टीम के सबसे चमकते सितारे कैप्टन रॉबर्ट लेवेंडोस्की हमारे फर्स्ट पिक है। अपने पिछले 5 मैच में 5 गोल और 2 असिस्ट है लेवेंडोस्की के नाम। बुंडेसलीगा में इस साल 41 गोल्स मार चुके हैं रॉबर्ट लेवेंडोस्की। पोलैंड के अगले खिलाड़ी है प्योटर जियलिंस्की। पोलैंड के लिए पिछले 5 स्टार्ट्स में 2 असिस्ट है जियलिंस्की के नाम। सीरिया में अपनी टीम के लिए 20+ गोल्स में इन्वॉल्व रहे हैं जियलिंस्की इस बार। डिफेंडर बार्टोस पेरिसिएंस्की इज द नेक्स्ट नेम ऑन द लिस्ट। हालांकि सिर्फ 1 असिस्ट है पेरिसिएंस्की के नाम, लेकिन ये साल 7 में से 6 मुकाबले स्टार्ट किए हैं पेरिसिएंस्की ने। सो ही इज अ सेफ पिक एंड एन अटैकिंग पिक टू कंसिडरिंग ही प्लेज एज अ विंग बैक। अब बारी है आइसलैंड के प्लेयर्स की। पहला नाम है आर्बर्ट गुमानसन का। लास्ट 5 मैच में 1 असिस्ट है इनके नाम और इनके अंडरलाइंग नंबर्स भी बहुत प्रभावशाली रहे हैं। आइसलैंड कैप्टन आरन गुनासन के बाद सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है मिडफील्डर बर्किप जानेसन। अपने पिछले 5 मैच में 1 गोल और 1 असिस्ट कंट्रीब्यूट कर चुके हैं जानेसन। सेंटर बैक अजोर्टोर हेरमानसन कैन बी अनदर आइसलैंड प्लेयर टू टारगेट। ही हैज स्टार्टेड एवरी गेम फॉर आइसलैंड दिस सीजन। सो ही आर माई टॉप पिक्स। इन द मस्ट हैव लिस्ट आई हैव गॉन विद ऑब्वियसली रॉबर्ट लेवेंडोस्की एंड प्योटर जियलिंस्की। आइसलैंड डुओ ऑयबर्ट गुमानसन एंड बर्किप जानेसन कंप्लीट द लिस्ट। इफ यू आर लुकिंग फॉर डिफरेंशियल्स ही आर सम ऑफ द प्लेयर्स यू कैन कंसिडर। आर्कादी उश्मिलिक एंड याकूब मोडर फ्रॉम पोलैंड। इसाक बर्गमैन योहानसन एंड अल्फोंस सैमस्टेड फ्रॉम आइसलैंड। मूविंग ऑन टू कैप्टनसी पिक्स। रॉबर्ट लेवेंडोस्की तो बाय डिफॉल्ट आपके टीम के कैप्टन होने चाहिए। उनका ये सीजन इतना कमाल का जो रहा है। वाइस कैप्टन के लिए आप थोड़े इनोवेटिव हो सकते हो। हमने यहाँ चुना है मिडफील्डर प्योटर जियलिंस्की को। ये हुई हमारी हेड टू हेड टीम्स के कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात। अगर मेगा लीग में आप डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन खेलना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा रॉबर्ट लेवेंडोस्की और आर्कादी उश्मिलिक। मिलिक ने ये साल तहलका मचा दिया है। अपने क्लब सीजन में 10 गोल मारे हैं इस पॉलिश स्ट्राइकर ने। इस मैच की आइडियल फैंटेसी टीम्स दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब तक अगर आपने फैनब्लेज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी कर ले।
इससे आपको फैंटेसी टीम बनाने में हेल्प होगी। और अगर आप लाइनअप्स और मैच फैक्ट्स मिस नहीं करना चाहते तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। मैं आपको दूंगा दो टीम्स, एक हेड टू हेड मैच के लिए और सेकेंड मेगा लीग के लिए। हमारी हेड टू हेड मैच की टीम कुछ ऐसी होगी, गोलकीपर हो गए वॉशर सेसनी, डिफेंस में हो गए पार्थोस पेरिसिएंस्की, हेजोटो हेरमोंसन और यान बेदनारिक, मिडफील्ड में हो गए याकूब मोडर, प्योटर्स येलिंस्की, बर्किर जानासन और आरन गुनासन, फॉरवर्ड लाइन में हो गए रॉबर्ट लेवेंडोस्की, आर्कादियुश मिलिक और आल्बर्ट गुलमॉनसन। रॉबर्ट लेवेंडोस्की इस टीम के कैप्टन हो गए और जियालिंस्की इस टीम के वाइस कैप्टन। हमारी मेगा लीग की टीम कुछ ऐसी होगी, डिफेंस में हो गए वॉजर शेसनी, मार्टोस बेरिजेंस्की, हेजोटो हेमोंसन और अल्फोंस सैमस्टेड, मिडफील्ड में हो गए याकूब मोडर, प्योटर्स येलिंस्की, बर्किर बियानासन और मिशेल दिबुस, फॉरवर्ड में हो गए रॉबर्ट लेवेंडोस्की, आर्कादियुश मिलिक और आल्बर्ट गुलमॉनसन। रॉबर्ट लेवेंडोस्की इस टीम के कैप्टन हो गए और आर्कादियुश मिलिक इस टीम के वाइस कैप्टन। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अगर आप इसी तरह मैच प्रीव्यू वीडियोस देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करें। फैन ब्लेज के इंस्टा पेज को फॉलो करना मत भूलिए। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो मिलते हैं अगली बार इसी प्रकार के एक मैच प्रीव्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।